देखिए डियर स्टूडेंट, हम इसके 7th पार्ट पर पहुँच चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 LM, तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ फोकस करना है एल प्लस एम स्क्वायर पे। एल प्लस एम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप किस में करते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी, आपको खुद को लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपको ये एल प्लस एम इसी तरह से खोलना है। तो ए बराबर तो आपका एल है और बी बराबर आपका क्या है, एम। तो अब मैं यहाँ से ऐसे लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ एल का स्क्वायर कर लेती हूँ प्लस 2, दो ब्रैकेट आपको जैसे मैंने बनाना बताया वैसे बनाइए, प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है। माइनस आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस 4 LM आपको एज इट इज़ चलाना है पीछे। यहाँ तक, यहाँ तक तो हमने इसको खोला, यहाँ से यहाँ तक तो हमने इस वाले को सोल्व किया है सिर्फ इतना सा। तो यहाँ पर मैं L लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं M लिख देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों A और B की वैल्यू यहाँ पर आती है। अब मैंने इस सवाल को सोल्व करती हूँ, एल स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4 LM कहाँ से आया, यहाँ से। तो देखिए प्लस का एल एम है 2 LM और ये माइनस का एल एम, तो माइनस यहाँ से हम देखते हैं माइनस 4 LM ऊपर लिख देती हूँ और प्लस 2 LM। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस 2 LM बचता है। तो आप लिखिए एल स्क्वायर माइनस 2 LM, क्या है ये एल, आपको नहीं समझ में आया तो एल अच्छे से लिखना, एल सिंपल एल एम। और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस एम का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ और यहाँ फोकस करिए, तो ये एल है और यहाँ पर ये है एम। यहाँ पर चूंकि माइनस है इस जगह पर, तो आप बीच में माइनस ही डालिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यही मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब जब हम इस तरह से लिखते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था साथ में, आपको पता होगा कि एल माइनस एम को आप डबल बार लिख लीजिए, एल माइनस एम। नीचे बोर्ड पर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी इसलिए मैं यहाँ नीचे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो को रिकैप कर आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।